बिहार के बेगूसराय जिले में एक बार फिर भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला, जब गांव वालों ने बकरी चुराने के आरोप में दो युवकों की जमकर पिटाई कर दी। घटना शुक्रवार 6 सितंबर की है। दोनों युवकों की इतनी पिटाई हुई कि इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। दोनों युवकों को घायल अवस्था में इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के भावनंदपुर गाँव की है। दोनों आरोपी युवकों की पहचान बीरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल कुमार और मोहित कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शुक्रवार सुबह भावनंदपुर से एक बकरी चुराकर भाग रहे थे, तभी लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल से भाग रहे युवकों की मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई और लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। फिर दोनों युवकों की जमकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई। इतना ही नहीं, दोनों को खूंटे से बांध कर भी मारा गया। पिटाई के बाद दोनों युवकों को घायल अवस्था में पुलिस के हवाले कर दिया गया। गाँव के लोग मारल के मतलब की काल के तू बकरी चोरा ले ली। बकरी चोरा के भाग गए। घटना के संबंध में आरोपी मोहित कुमार ने बताया था कि वो लोग अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक बकरी मोटरसाइकिल में फंस गई और लोगों ने उन्हें बकरी चोरी का आरोप लगाकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। मोहित ने बताया कि वो दोनों लोगों से खुद के बेकसूर होने की और रहम करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। इलाज के दौरान मोहित कुमार की मौत हो गई और राहुल कुमार का इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर बेगूसराय पुलिस की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए घटना की पुष्टि की गई और बताया गया कि सुबह करीब 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि दो बकरी चोर को भागते हुए पकड़ा गया है और बांध कर रखा गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मोहित कुमार की उम्र करीब 20 साल थी और राहुल कुमार की उम्र करीब 24 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बेगूसराय से बबलू कुमार की रिपोर्ट।